हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जकी। मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G। यहाँ पर देख सकते हैं, दो दिन पहले यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G में इंडिया के अंदर एक न्यू A40 अपडेट रिलीज़ किया गया था। अपडेट का साइज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 392 MB है। और यहाँ पर सिक्योरिटी पैच लेवल आपको देखने के लिए मिल रहा है 1 अक्टूबर 2021 का, यानी कि इस मंथ का आपको सिक्योरिटी पैच लेवल देखने के लिए मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बात किया जाएगा इस यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की, तो यहाँ पर आपको क्या इम्प्रूवमेंट दिया गया है, कौन सा बग्स फिक्स किया गया है। फर्स्ट सीन में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बस यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइस स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट्स बग फिक्सेस, बस ये सब लिखा है। बट मैं गाइस आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में कि क्या आपको इस अपडेट के बाद कौन से बग्स यहाँ पर फिक्स किए गए हैं सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G में, कौन से बग्स पहले आते थे, तो सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं और फटाक से इस अपडेट को इंस्टॉल करते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G में। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G जो है वो अपडेट होना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे फ़ोन जो है अपडेट हो रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वाले अपडेट से पहले क्या प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G में। इस फ़ोन को मैं अपने प्राइमरी फ़ोन की तरह यूज़ कर रहा हूँ और मैंने बहुत चीज़ ऐसा नोटिस करा है जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, इस फ़ोन में सितंबर अपडेट में बहुत ही ज़्यादा बग्स था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लैग देखने के लिए मिल रहा था। फ़ोन बहुत ही ज़्यादा जो है कभी कभी लैगी बन जा रहा था, कोई एप्लीकेशन जो है सही स्मूथली ओपन नहीं हो पा रहा था। खासकर यहाँ पर बात करूँ कैमरा एप्लीकेशन के ऊपर, तो कैमरा एप्लीकेशन कभी कभी यहाँ पर क्रैश हो जा रहा था, यानी कि जब भी मैं पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ उसके बाद से जो पिक्चर प्रीव्यू आता है उस पर टैप करने के बाद कैमरा जो है पूरा क्रैश हो जाता था। तो ये मुझे प्रॉब्लम देखने के लिए मिला सितंबर अपडेट के बाद। तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है फिक्स कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बैटरी ड्रेन का जो इशू है वो भी बताया जा रहा था कि सितंबर अपडेट के बाद यहाँ पर जो है बैटरी ड्रेन का इशू देखने के लिए मिल रहा था। सो गाइस, आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G में यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, साथ ही साथ इसमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पर बैटरी कंजप्शन जो है वो बढ़ जाएगा, यहाँ पर बैटरी जो है ज़्यादा ड्रेन हो सकती है। लेकिन मैं बता दूं गाइस, इसके साथ वाले भी बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं जिनमें 120 हर्ट्ज डिस्प्ले दिया हुआ है, साथ ही साथ उसमें सुपर एमोलेड की डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, उसमें भी यहाँ पर बैटरी कंजप्शन जो है वो इससे ज़्यादा कम हो रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G में बैटरी ड्रेन का इशू है वो देखने के लिए मिल रहा है। गेमिंग के अंदर भी यहाँ पर बैटरी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ड्रेन हो रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G में इस वाले अपडेट के बाद ये सब प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता, इस फ़ोन को अभी मैं यूज़ करूँगा इस वाले अपडेट के बाद, फिर मैं आप लोग के लिए अलग से एक रिव्यू वीडियो बना के बता दूंगा कि क्या इस वाले अपडेट के बाद सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G में ये सब प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ़ोन जो है अपडेट हो चुका है, योर फोन हैज़ बीन अपडेटेड। तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ और यहाँ पर चलते हैं सेटिंग में, अबाउट फोन, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर देख सकते हैं वन यूआई वर्जन अभी 3.1 है, एंड्रॉयड 11 पर रन कर रहा है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2021 हो चुका है और अभी भी नॉक्स वर्जन जो है 3.7 है। तो ये कब अपडेट होता है, मेरे ख्याल से जब इसमें OS अपडेट आता है तभी जाकर यहाँ पर जो है नॉक्स वर्जन जो है वो अपडेट हो जाता है। फ़ोन यहाँ पर काफ़ी स्मूथ वर्क कर रहा है, यहाँ पर कोई भी लैग नहीं है, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ। साथ ही साथ आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है, तो और भी ज़्यादा यहाँ पर स्मूथनेस जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। बट मैं आप लोग को बता दूँ, सितंबर अपडेट में जो बग्स देखने के लिए मिल रहे थे, इस वाले अपडेट में आपको सारे बग्स जो है फिक्स कर दिए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कैमरा एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर फेस किया है, कैमरा एप्लीकेशन जो है वह लैग कर रहा था सितंबर अपडेट में, बहुत ही ज़्यादा लैग। जब भी आप लोग पिक्चर क्लिक कर रहे हो तो वहाँ पर जो है शटर बटन कभी कभी फंस जाता था, साथ ही साथ यहाँ पर जो है फ़ोटो देखने के लिए ऑप्शन आता है उस पर अगर आप लोग टैप करते हैं तो वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा लेट से वो ओपन हो पाता था। इसके कारण से बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा था सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G में, तो वो यहाँ पर जो है फिक्स कर दिया गया है। मैं आप लोग को यहाँ पर चेक करा देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फाइन वर्क कर रहा है।
लेकिन अभी भी थोड़ा सा डिले है, उतना फास्ट यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन डिले है। डिले इसलिए हो रहा है, यहाँ पर आपका मोशन जो है वो एक्टिवेट है। मोशन क्या करता है, यहाँ पर पिक्चर को और भी ज़्यादा जो है क्लियर बनाता है। हाथ अगर आपका हिल रहा हो तो वहाँ पर जो है स्टेबल कर देता है पिक्चर को, तब जाकर यहाँ पर पिक्चर क्लिक करता है। तो ये सब फीचर की वजह से भी हो सकता है कि डिले आपको देखने के लिए मिल रहा है। बट गाइज पहले क्या होता था, यहाँ पर इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपका जो फ़ोन है वो एक दो सेकेंड के लिए फ्रीज हो जाता था, कुछ काम ही नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा था। और यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन पर टैप करते थे तो यहाँ पर जो है लैग देखने के लिए मिल रहा था, बट अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर फ़ोन जो है काफ़ी स्मूथ वर्क कर रहा है। देखेंगे इसको अच्छे से आप यूज़ करके, उसके बाद मैं आप लोग के लिए अलग से रिव्यू वीडियो बनाऊँगा और बताऊँगा कि क्या और प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। बात किया बैटरी ड्रेन की, तो बैटरी ड्रेन अब बताया जा रहा है कि नहीं होगा। बैटरी ड्रेन इशू जो है इस वाले अपडेट में यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, तो अभी मैं यहाँ पर चेक करूँगा। गेमिंग के अंदर बताया जा रहा था गाइस, गेमिंग के अंदर ज़्यादा देर तक अगर आप लोग गेम खेलते हैं सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G में, तो वहाँ पर जो है हीटिंग कारण लैग देखने के लिए मिल रहा था, वो भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये फिक्स हो चुका है। तो सब कुछ मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, उसके बाद आप लोगों के लिए अलग से एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो बना दूंगा और बता दूंगा कि क्या अक्टूबर अपडेट के बाद यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G पहले से अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आई होप आप लोग यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।